ब्रेकिंग न्यूज की शुरुआत दिल्ली के करोल बाग में हादसे की खबर के साथ। करोल बाग के बप्पा नगर इलाके में बिल्डिंग गिरने से अफरातफरी मच गई है। बिल्डिंग के मलबे में कुछ लोगों की फंसे होने की खबर है। अब तक 7 लोगों को मलबे से निकाला जा चुका है। फायर ब्रिगेड की 5 गाड़ियां मौके पर है, रेस्क्यू ऑपरेशन में लगी हुई है, लेकिन अभी भी कुछ लोग वहां पर फंसे हुए हैं जिनको निकाला जा रहा है, अस्पताल में भर्ती कराया जा रहा है। करोल बाग में दमकल की 5 टीमें युद्ध स्तर पर कोशिशें कर रही हैं लोगों को सुरक्षित बाहर निकालने की। 7 लोग अभी बताया जा रहा है कि मलबे से निकाले गए हैं, कुछ और लोग हैं जो यहां पर फंसे हो सकते हैं और इसीलिए टीम बड़ी ही सावधानी के साथ मलबे को हटाते हुए। इस वक्त हम मौजूद हैं करोल बाग के बापा नगर में, ठीक वो बिल्डिंग आपको दिखा रहे हैं जहां पर लोग दबे, और देखिए यहां पर बचाव कार्य कैसे मैन्युअली चल रहा है। आप देखिए एक एक ईंट यहां पर जो बचाव कर्मी है वो एक एक ईंट हटा रहे हैं, क्योंकि जिस जगह पर वो लोग पहुंचे वहां पर किसी के दबे होने की उनको देखिए एक शख्स दबा हुआ है जिसके आसपास से वो सारी चीजें हटा रहे हैं। और गनीमत ये है कि वो देखिए उसके मूवमेंट हो रहा है, यानी कि सही सलामत उस तक बचाव कर्मी पहुंच गए हैं। तमाम जो ईंट पत्थर हैं उसके आसपास से वो यहां पर हटाया जा रहा है, जो कि आई विटनेस मुझे मिला था जिसने हमें ये बताया था आज तक को कि 6 लोगों को बिल्डिंग गिरने के बाद निकाला गया जो कि उसके परिवार के ही लोग थे। जूते चप्पल बनाने का काम इस फैक्ट्री में किया जा रहा था। तो फिलहाल बचाव कार्य अभी भी जारी है और कुछ और लोग अभी नीचे फंसे हो सकते हैं जिनको निकालने के लिए जो तमाम मलबा है आप देखिए वो हटाया जा रहा है। जो मकान गिरा उसकी वजह से बगल का भी आप मकान देखिए तो 2 और मकान वो क्षतिग्रस्त हो गए हैं। वो सामने वाला आप मकान देखिए वो भी क्षतिग्रस्त हो गया है। उसके बगल वाला जो मकान था, जो ये टीन आप जो देख रहे हैं, ये भी क्षतिग्रस्त हो गया है। इसके ऊपर भी मलबा गिरा। तो आप देखिए आसपास की छतों पर यहाँ पर पुलिस भी मौजूद है, लोग भी मौजूद हैं जो लगातार नजर बना के रखे हुए हैं। बचाव कार्य चूंकि जगह बेहद छोटी है जहां पर ये हादसा हुआ है वहां पर मशीनरी भी नहीं जा सकती, इसलिए देखिए हाथों से जो कटर है वो चीजें लेकर पहुंचे हुए हैं और इस वजह से ज्यादा दिक्कत हो रही है, ज्यादा वक्त लग रहा है मलबे को हटाने में। कैमरामैन कृष्ण कुमार के साथ हिमांशु मिश्रा, दिल्ली आज तक। हिमांशु मिश्रा जिनकी रिपोर्ट आप देख रहे थे वो इस वक्त हमारे साथ जुड़ भी चुके हैं। इस वक्त वहां सिचुएशन क्या है वो समझते हैं। हिमांशु सबसे पहले ये भी बताइए इमारत गिरी कैसे और अभी कितने लोग अंदर दबे हो सकते हैं। अभी जो जानकारी है 4 से 5 लोग होने की आशंका है। पुलिस ने सबसे पहले क्या किया, इस पूरे इलाके को देखिए जहां पर अब से कुछ देर पहले भीड़ थी, आसपास के छतों पर लोग मौजूद थे जहां पर हम खुद थे, उन सारे इलाके को पुलिस ने खाली कराया क्योंकि बारिश होने लगी और ऐसे में बचाव कार्य में दिक्कत आ रही थी। और साथ ही साथ आसपास की इमारतों पर भी पुलिस को बहुत ज्यादा भरोसा नहीं था, इसलिए पुलिस ने सभी छतों पर मौजूद लोगों को वहां से खाली कराया। अब एक एक करके जो पूरी ईंट है वहां से वो सब हटाई जा रही है और यहां से आगे अब किसी को जाने की इजाजत नहीं है। पुलिस ने आगे का रास्ता बंद कर दिया है ताकि बचाव कार्य सुचारू रूप से चल सके। अब एक एक ईंट वहां पर हटाई जा रही है क्योंकि कोई भी, आप देखिए गली कितनी पतली, अगर मैं आपको आगे की गलियां ले चल के दिखाऊं तो आप अर्पिता कहेंगी इन गलियों को देखिए, इन गलियों के रास्ते होकर के अंदर जाना है। आप अंदाजा लगा सकती कि यहां पर पैदल एक आदमी अगर आता है दूसरा लौटता है तो रुकना पड़ता है, तो ऐसे में मैन्युअली ही पूरा काम चल रहा है। तो एक एक ईंट कार सेवा की तरीके से बिल्डिंग पर से हटाई जा रही है। गनीमत ये रही अर्पिता कि जिन 7 लोगों को मलबे से अब तक निकाला गया है वो सभी के सभी जीवित हैं, बचे हुए हैं, उनको हॉस्पिटल भेज दिया गया है। जो लोग अंदर थे उन्होंने आशंका जाहिर की है कि 3-4 लोग और हो सकते हैं, इसलिए बचाव कार्य लगातार जारी है। पुलिस का कहना है, प्रशासन का कहना है ठीक है, जब तक मलबा पूरी तरीके से हटा नहीं लिया जाएगा तब तक बचाव बिल्कुल, यानी कुछ लोगों के अभी दबे होने की आशंका है और इसीलिए युद्ध स्तर पर वहां रेस्क्यू ऑपरेशन। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए।